आहिस्ते भांजे, चिंगारी भड़क उठेगी। कुमार साहब, चिंगारी तो भड़क चुकी है और आशियाना भी जलकर खाक हो चुका है। आशियाना खाक? कैसी बहकी बहकी बातें करो तुम, और ये क्या हुलिया बना रखा है? यही तो हकीकत है। सपनों के सहारे इंसान कब तक जी सकता है? जब किताबों में पढ़ते थे कि प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड, तो बड़ा ताज्जुब होता था। लेकिन आज इस बात का एहसास हो गया और यकीन हो गया कि प्यार इंसान को अंधा, पागल और बेवकूफ बना देता है। साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पहली हमारी समझ में नहीं आ रही। बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी के हर पल को एक पहेली बनाकर रख दिया है, वही मुझसे पहेली का मतलब जानना चाहते हैं। जब कोई दुश्मन दुश्मनी का चोला पहनकर सामने आता है तो पहचाना जाता है, लेकिन जब कोई दुश्मन अपनों का चोला पहनकर सामने आता है तो बड़े बड़े धोखा खाकर रह जाते हैं। क्यों क्यों सावित्री देवी उर्फ सोनिया, और अगर कोई तीसरा नाम भी है तो? हे चौधरी साहब, मेरी मजबूरी। तुम अपने झूठ, फरेब और मक्कारी को मजबूरी के दामन में छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जैसी जलील लड़कियां दौलत की खातिर गिरी से गिरी हरकत भी कर सकती हैं। मामा, ये आप गलत कह रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि एक आशिक अपनी महबूबा की बुराई भला कैसे सुन सकता है। तुम दोनों ने मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, और विजय, मुझे नीचा दिखाने का इससे सुनहरी मौका भला तुम्हें कैसे मिल सकता था? आखिर तुमने साबित कर दिया कि एक गंदी नाली का कीड़ा साफ सुथरे पानी में भला कैसे रह सकता है। बस बस बहुत हो गया, आप इन मासूम बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं बड़ी देर से सुनता चला जा रहा हूँ। बस कुमार साहब, इतने में घबरा गए? तुम्हारे एक्टिंग स्कूल में स्टूडेंट्स की कमी पड़ गई थी जो तुमने इन दोनों को अपना शागिर्द बना दिया। कितनी फीस दी इन्होंने तुम्हें? 1,000, 2,000, 5,000? अरे मुझे कहा था मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दे देता। तुम मुझे फीस देते? हाँ, ताकि तुम एक दोस्त की पीठ में एक छुरा भोंकने के गुनाह से बचा लेता। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें एक दोस्त समझता था, हमदर्द समझता था, अपना हमराज समझता था, लेकिन तुम एक आस्तीन के सांप निकले। बस चौधरी साहब, आज बहुत बोल गए हैं आप। अब जो मैं बोलता वो सुनिए आप। अरे आप सारी जिंदगी क्या करते रहे? रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती को, यहाँ तक इंसानियत को दौलत के तराजू में तोलते रहे आप। आप ये भी भूल गए कि प्यार एक ऐसा रिश्ता है, एक अनमोल हीरा है, जिसे सिर्फ प्यार खरीद सकता है। दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। आप अपनी दौलत के घमंड में सब कुछ गंवाते आए हैं, और आज तक नहीं सुधरे आप। अभी भी आपको होश नहीं आया। कुमार, तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरी छत के नीचे खड़े हो। तुम यहां से निकल जाओ। आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने मुझे मेरी औकात बता दी। अंकल, जिस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ, तुम भी जाओ, जाओ तुम भी, और साथ में इस नौटंकी को भी लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ तुम लोग। तुम लोग क्या सोचते, मैं तुम लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? चौधरी रणबीर सिंह तुम लोगों के बगैर जी सकता है? अरे जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। मैं अकेला भी रह सकता हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम जी सकता हूँ अकेला में। जाओ। Sleeping Beauty. Come on, do not. अरे आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? Old man. कहाँ तुम लोग? मैं कहता हूँ खोलो तुम लोग, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो साहब, चौधरी साहब को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। चौधरी साहब को उठा के ले गए? जल्दी आइए, हम आ रहे हैं, हम लोग अभी आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। प्रताप सिंह ने आखिर अपनी जात दिखाई दी। अंकल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, पता नहीं चौधरी साहब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। चलो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो?
कहां ले जा रहे मुझे? छोड़ दो मुझको। कौन हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। ओ, प्रताप सिंह, इन सारी कमीनी हरकतों के पीछे तेरा हाथ है। क्या करें चौधरी साहब, लाख कोशिशों के बाद भी आप हमारी प्यार की भाषा समझ नहीं सके, इसलिए आपको आपकी भाषा समझाने के लिए ब्लैक आई को आज खुद आना पड़ा। ब्लैक आई? वेरी सैड, वेरी बैड ओल्ड मैन, तुमने एक छोटा सा सिग्नेचर नहीं किया, हमको बहुत तकलीफ हुआ। जितना तकलीफ हमको हुआ उससे डबल तकलीफ तुमको होगा, होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो, डोंट हिट हिम लाइक अ डॉग, इस बेचारे को तकलीफ होगा। देखो ओल्ड मैन, हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा दोस्त है, दोस्त। दोस्त? और तुम? तुम्हारा करी सुनी को सुनी रिगो सुनी रिगो बस रिगो नहीं समझा? तुम्हारा गवर्नमेंट इस मुल्क का आबादी कम करने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस मुल्क का आबादी कम नहीं होता, नहीं होता ना? हम तुम्हारे देश के लोगों को ड्रग्स का आदत डालेगा ताकि वो अपने आप अपनी मौत मर जाएगा, और फिर तुम्हारे देश का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। हम तुम्हारे देश के वास्ते इतना बड़ा काम करता है, और तुम अपने देश के वास्ते एक छोटा सा सिग्नेचर नहीं कर सकता? करेगा ना? करेगा 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 ना? नहीं करेगा चौधरी, नहीं। मिस्टर प्रताप, तुमने इस ओल्ड मैन के साथ बहुत अत्याचार किया। वेरी गुड, तुम कांग्रेस निधि पापरी पेपरी का स्तो बेलो पर गिरा स्तो लिया स्तो यस्तो, ये वो इस पे साइन करो, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, साइन कराओ। ये तुम कांग्रेस में पुरकास। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा गोवर्धन। जय बाबा गोवर्धन, जय 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 जय गागा गोवर्धन, जय जय गागा गोवर्धन। ये ओल्ड मैन पागल हो गया है। गोबर, तुम्हारा कसम नहीं रहा बस? मैं लाख पोती। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा। ये ओल्ड मैन पागल मैड हो गया है। जय बाबा गोवर्धन, जय बाबा गोवर्धन, हे राम तेरी गंगा। बुड्ढा बिल्कुल सटिया गया है। जय जय बाबा गोवर्धन, एक मिनट एक मिनट, आप लोग यहाँ कैसे आए? हमने तो कोई हवन नहीं रखा है। बच्चा, हम तो कल्याण है तू, यत्र तत्र सर्वत्र हमेशा उपस्थित रहते हैं, देख हमारा चमत्कार। तुम अक्सरिको तो पुरिया कर यूरिया सुपुरिया तुरिया बात कर या? तैया 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 मगाता। भोगरनाथ की विजय, भोगरनाथ की विजय। तुम कश्मीर पर करो इस पूजा करे नहीं तो माता पूछो करे मैं तो निकल ली। पकड़े, पकड़ गया।
हरियाणा हल्दी मिर्ची हल्दी मिर्च थैंक यू कुमार गलती से मेरी पिक्चरें फ्लॉप हुई थी मैं फ्लॉप नहीं आए पकड़ो 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 थैंक यू क्या कर रहे हो पकड़ो 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 नहीं पकड़ो घोड़ा कितनी मुश्किलों से अपनी बहन का बिछड़ा हुआ प्यार मुझे विजय के रूप में मिला उसे मुझसे मत छीन मां छीनना है तो मेरी जिंदगी छीन ले जिसने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया मेरे अंधेरे घर में प्यार की रोशनी दिखाकर दोबारा अंधेरा मत कर मां मेरे विजय की रक्षा कर मेरे विजय की रक्षा कर मां चौधरी भगवान ने तुम्हारी सुन ली खतरे की घड़ी टल गई मेरे दोस्त मर गया तुम्हारा भैया भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं भैया जो शब्दों के वार से टूट जाए दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से भैया मैं तो यहाँ अब कभी नहीं आऊंगी लेकिन हर साल मेरी राखी अपने भैया का इंतजार करेगी बहन अगर आज तू जिंदा होती तो मामा
विजय।